नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को खाने के लिए छोड़ा है। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। मोदी जी और अमित शाह जी हैं, भ्रष्टाचार करके बैठा है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डाली जाए। सेबी के आते उन्हें पता कि हमारे जो हजारों मंत्रियों ने घोटाले करे हैं वो अंदर हो जाएं, सेबी को नहीं लाना चाहते। क्या ये क्या है, मतलब दो तोते? जिस तरीके सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, सीबीआई और ईडी है दोनों, ये वैसे देखा है तो मोदी जी और अमित शाह जी हैं, क्योंकि इन्हीं के बड़े शांत बैठे हुए हैं भैया, काहे को उनको बैठे हैं। इन्होंने तो हिंदुस्तान के अंदर आज हजारों आदमियों को हाहाकार मचा रखा है, लेकिन हम मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ उसको दिखाया जाए। पिछले 10 सालों से जिस तरीके से करोड़ों हजारों आदमी जो बीजेपी का भ्रष्टाचार करके बैठा है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डाली जाए। इसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए हम आए हैं। ईडी और सीबीआई को तो छोड़िए, मोदी जी अपने मंत्रियों का हिसाब किताब दे दें, इतना ही बहुत है, यही जवाब मांगने। खुला छोड़ेंगे तभी तो हिसाब किताब काम करें। अभी इनको हमने कहना है खाने के लिए छोड़ रखा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को खाने के लिए छोड़ा है। तो कुछ डाला नहीं, नहीं बिल्कुल। ये मिर्च, ये देखिए मिर्च भी है और वो भी, बोलो मिट्ठू मिट्ठू, तो मिट्ठू है, जैसे बोलते हैं मिट्ठू। और ये तोते निकल के उड़ जाते हैं और जो जहां वो चाहते हैं उसको गिरफ्तार कर लेते हैं उसको। अरे भरकम चैन तो आप खुद है नहीं, ये देखिए आज अगर लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जाएगी, हम कांग्रेस के पार्टी के सिपाही हैं, हम सत्ता में रह ना जाए लेकिन जनता की लड़ाई के लिए लड़ते हैं। आज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना उसके लोगों को तंग किया जा रहा है, विपक्ष को तंग किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं सत्ता के अंदर आप है, सेंटर के अंदर आपकी गवर्नमेंट, आप सीडी सीबीआई ईडीआई को छोड़ो, आप सेबी को लेकर आओ। सेबी के आते उन्हें पता कि हमारे जो हजारों मंत्रियों ने घोटाले करे हैं वो अंदर हो जाएंगे, लेकिन वो सेबी को नहीं लाना चाहते, वो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए। लोगों को उठा रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, इसी का स्वाव जवाब और हिसाब मांगने यहाँ पर आए हैं। देखिए यहाँ पे जो दो तोतों को लेके जो प्रदर्शन चल रहा था, अब उन दोनों तोतों को जो है यहाँ से आज़ाद किया जा रहा है। मतलब कांग्रेस ये संदेश दे रही है कि हम आज़ादी के साथ जो है हर काम को करवाने का काम करते हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि सामने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से जो तोतों के माध्यम से जिस तरीके का यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर, तो उनको जो है आज़ाद करते हुए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। आज जो है वो फिर से एक बार जो है कांग्रेस का प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, और आपको दिखा दें कि ईडी और सीबीआई से जो है उनके ऊपर जिस तरीके से उनका इस्तेमाल जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है लगातार। दोनों पार्टियां अगर बात करें तो मौजूदा दिल्ली सरकार पार्टी भी जो है वो आरोप लगाती रही है, और कहीं ना कहीं केजरीवाल कांग्रेस सरकार जो है वो भी आरोप लगा रही है, और दो तोतों के जरिए बड़े बखूबी तरीके से जो है वो समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जागरूक करने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह जी को। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।